जया पार्वती व्रत पूजा विधि। जया पार्वती व्रत पूजा विधि आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी की शुभ बेला में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक नई सुबह का स्वागत करें। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर पूजा अर्चना की तैयारी करें। पहले दिन एक पात्र में ज्वार या गेहूं के दानों को बोकर अपने पूजा स्थल पर रखें। आने वाले 5 दिनों तक इस पात्र में जल, अक्षत, पुष्प, रोली और रुई की माला अर्पित करें। इस रुई की माला को नगला कहा जाता है, जिसे कुमकुम से सजाया जाता है। इस पावन दिन भगवान शिव, लॉर्ड शिवा और माता पार्वती, गॉडेस पार्वती की पूजा का विधान है। अपने घर के मंदिर में एक आसन पर लाल कपड़ा बिछाएं और माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। दीप प्रज्वलित कर व्रत का संकल्प लें। शिव पार्वती जी को कुमकुम, अष्टगंध, शतपत्र, कस्तूरी, फूल, नारियल, नैवेद्य, ऋतुफल, धूप और पंचामृत अर्पित करें। साथ ही माँ पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। यदि आपने बालू या रेत से हाथी का निर्माण किया है तो उस पर 5 प्रकार के फल, फूल और प्रसाद चढ़ाएं। इसके पश्चात व्रत कथा का पाठ करें और माता पार्वती तथा भगवान शिव की आरती उतारें। अंत में माता पार्वती, गॉडेस पार्वती का ध्यान करते हुए सुख, सौभाग्य और गृह शांति की कामना करें और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। व्रत के 5वें दिन प्रातः स्नान कर माता पार्वती, भगवान शिव और ज्वार पात्र की पूजा करें और रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन रेत के हाथी और ज्वार के पौधों को किसी पवित्र नदी या तालाब में विसर्जित करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। अंत में हरी सब्जी और गेहूं से बनी रोटियों से व्रत का पारण करें।